अमन कमेटी के प्रदेश महासचिव नदीम इकबाल को 28 मई को नई दिल्ली में सम्मानित किया गया। न्यू महाराष्ट्र भवन में आयोजित ध्रुव फाउंडेशन के एक कार्यक्रम में उन्हें सम्मानित किया गया। जानकारी के मुताबिक वरिष्ठ समाज सेवी नदीम इकबाल को उनकी समाज सेवा व गरीबों की मदद करने के साथ साथ गंगा यमुनी तहजीब को बरकरार रखने में अहम योगदान देने के लिए सम्मानित किया गया है। फैशन शो और सम्मान समारोह में कैबिनेट मंत्री रघुराज सिंह व हिंदुस्तानी रक्षा विशेषज्ञ श्री वक्सी ने नदीम को एक्सीलेंट अवार्ड से नवाजा। अवार्ड मिलने के बाद वरिष्ठ समाज सेवी नदीम इकबाल ने बताया कि इस अवार्ड के लिए पूरे हिंदुस्तान से बेहतर समाज सेवा करने वाले 10 लोगों का चयन किया गया था और इस अवार्ड से मुझे नवाजा गया है। मैं अपने आप में गर्व महसूस कर रहा हूं। मैं उन सब पदाधिकारियों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं और उन सबका अभिनंदन और सम्मान करता हूं। आपको बता दें कि नदीम इकबाल 30 सालों से समाज से जुड़े कार्य करते आ रहे हैं। उन्होंने कोरोना काल में लगाए गए लॉकडाउन में भी गरीब और बेसहारा लोगों की दिल खोल कर मदद की थी। यहाँ तक कि उन्होंने अमन कमेटी की ओर से स्वयं घर घर जाकर मुफलिसों को राशन व जरूरत की सामग्री मुहैया कराई थी। वो अमन कमेटी के प्रदेश महासचिव होने के साथ साथ एक नेक दिन इंसान भी हैं, जो हर वक्त गरीब महिलाओं व बेरोजगार बच्चों की मदद के लिए हमेशा खड़े रहते हैं और उनकी परेशानी व समस्याओं का समाधान करते हैं। प्रदेश महासचिव नदीम इकबाल ने कहा कि वो आगे भी समाज के लिए इसी तरह से दिल से कार्य करते रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि वह आखिरी सांस तक समाज हित और न्याय के लिए लड़ते रहेंगे। न्यू महाराष्ट्र भवन ध्रुव फाउंडेशन के प्रोग्राम में पूरी रात फैशन शो के साथ साथ सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली मुंबई की जानी मानी फिल्मी हस्तियां भी शामिल रहीं। मैं नदीम इकबाल, अमन कमेटी प्रदेश महासचिव। आज मुझे सोशल वर्कर के रूप में अमन कमेटी के स्तर से ये सम्मान दिया गया ध्रुव फाउंडेशन न्यू महाराष्ट्र सदन। मैं अपने आप को बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ। मैं किसी काबिल नहीं, लेकिन मुझे आज ध्रुव फाउंडेशन के अध्यक्ष द्वारा मुझे ये सम्मान दिया गया अग्रवाल साहब द्वारा न्यू महाराष्ट्र सदन में। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान, जय भीम, जय जवान, जय किसान।